की शाम गीडा के स्थापना दिवस समारोह में सम्मिलित होंगे सीएम योगी। देंगे 504 करोड़ की निवेश परियोजनाओं का तोहफा। 260 करोड़ रुपए के 49 विकास कार्यों का करेंगे शिलान्यास एवं लोकार्पण। प्लास्टिक पार्क, रेडीमेड गारमेंट पार्क और फ्लैटेड फैक्ट्री की मिलेगी सौगात। 1200 करोड़ की निवेश परियोजनाओं के निवेशकों को सौंपेंगे भूमि आवंटन का प्रमाण पत्र। दस करोड़ रुपए की जमीन को भू माफियाओं के कब्जे से नगर निगम ने मंगलवार को कराया मुक्त। मामला गोरखनाथ इंडस्ट्रियल एरिया के वार्ड संख्या 10 लक्ष्मीपुर का। नगर आयुक्त विनाश सिंह ने कहा, चिन्हित किए गए दूसरे अतिक्रमणों के खिलाफ भी होगी सख्त कार्रवाई। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट एसडीएम सदर कुलदीप मीणा को प्रदेश सरकार द्वारा बुलंद शहर का सीडीओ बनाए जाने पर सदर तहसील के अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा विदाई समारोह का आयोजन कर उन्हें किया गया सम्मानित। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट एसडीएम सदर कुलदीप मीणा ने कहा, गोरखपुर के अधिकारियों व कर्मचारियों के सहयोग से हैं वह अभिभूत। नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन, महिला एवं बालिकाओं के सशक्तिकरण के उद्देश्य एवं उन्हें जागरूक करने के लिए वुमेन पावर लाइन 1090 वाहन को हरी झंडी दिखाकर एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने किया रवाना। कहा, महिला एवं बालिकाओं की सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने के लिए जन जन तक संदेश पहुँचाने के उद्देश्य से वुमेन पावर लाइन 1090 वाहन को किया गया रवाना। आगामी नगर निगम एवं नगर पंचायत के चुनाव की तैयारियां हुई पूरी। एडीएम फाइनेंस एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजेश कुमार सिंह ने कहा, आगामी चुनाव में सभी जनमानस शांतिपूर्वक करेंगे प्रतिभाग। ग्रीन ऑस्कर से सम्मानित विश्व प्रख्यात पर्यावरणविद माइक पांडे होंगे सीएम सिटी के स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर। नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने कहा, स्वच्छता के मामले में गोरखपुर को नंबर वन बनाने में माइक पांडे का अनुभव व उनके सुझाव साबित होंगे महत्वपूर्ण। राजा राम मोहन राय की 250वीं जयंती के अवसर पर महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए छात्राओं ने निकाली जागरूकता रैली। राज्यसभा सांसद डॉ. राधा मोहन दास अग्रवाल ने कहा, राजा राम मोहन राय द्वारा महिलाओं के उत्थान के लिए किए गए उनके कार्यों को किया गया याद। यातायात माह के अंतर्गत ट्रैफिक विभाग द्वारा सड़क सुरक्षा मैनेजमेंट फॉर बेसिक लाइफ सपोर्ट कार्यशाला का किया गया आयोजन। एसपी ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह ने कहा, पुलिस कर्मियों को रोड सेफ्टी की दी गई ट्रेनिंग। और भारतीय डाक विभाग गोरखपुर मंडल द्वारा डाकघर बचत बैंक महामेला का किया गया आयोजन। सबसे अधिक खाता खोलने वाले अधिकारी, कर्मचारी एवं ग्रामीण डाक सेवकों को प्रशस्ति पत्र एवं सील देकर किया गया सम्मानित। गोरखपुर क्षेत्र के पोस्ट मास्टर जनरल विनय कुमार वर्मा ने कहा, डाकघर की सेवाएं हो चुकी हैं डिजिटल, बैंकिंग की भी सुविधा का ज्यादा से ज्यादा उठाएं लाभ।